सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आप सभी से हमें हाजिर है सब क्लास शिक्षा। सो गाइस, जैसे कि आज का ये ब्लॉग है, आप देख सकते हो मेरे साथ है मेरे भाई लोग, जिनके साथ मैं करने जा रहा हूँ ब्लॉगिंग। कहाँ पर जा रहे हो? क्या करने जा रहा हूँ भाई? चिल्ला में क्या दिखाएंगे हम? हिल्ला चिल्ला, हाँ जो हमारा हिल्ला। आज का जो ब्लॉग, इसमें हम दिखाएंगे आपको चिल्ला। चिल्ला के मतलब चिल्ला जाते होंगे सब लोग, बट जो हम जाते हैं, जो हम करते हैं, मतलब कि वो आज हम दिखाएंगे आपको। ये कैसे नाचेंगे और भाई ये कैसे रील्स बनाएंगे। आ जाए मान से यार, तेरे पब्लिक बोल रही, पब्लिक डिमांड है देखने को बोल रही यार। बस गाइस, इसका ब्लॉग यहीं तक देख रहा हूं, मेरे वाले मारो बहुत तेज हो रहा है। अगर भाई अगर दोनों का व्लॉग देखना है ना इनका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा दोनों का लिंक। क्या चले फिर? चल, खाना वाना सब खा चुके भाई हम, अब सीधा वहां जाके मैगी खाएंगे पहुंच के। थोड़ा सा हमारा प्लान भी बन सकता है। ओ ब्लैक पैंथर आ रखी है भाई आज, तो भाई प्लान बन सकता है मूवी देखने का। अभी कुछ नहीं पता कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। अभी अगर हमारा टाइम लग गया तो ठीक है, वरना फर्स्ट शो देख कर आएंगे भाई। ब्लैक पैंथर आज लग रही है, चले चलते हैं पंकज पाल। रेडी हो चुका हूँ, थोड़ी जैकेट वैकेट पहन के, और अभी सीधा चलते चिल्ला। तो चलो गाइस, दिखाते हैं आपको पैंथर। हम निकल रहे हैं राइड के लिए, जो कि भाई बड़ी मजेदार होने वाली है आज की राइड। ये रही हमारी ब्लैक पैंथर, जिसको आप देखना चाह रहे हो इतनी देर से। अब आपको हम दिखाएंगे अपनी ब्लैक पैंथर। तो गाइस देख सकते हो आप, जैसे कि भाई बिल्कुल क्लीन पड़ी है, एक एक चीज ऐसा थोड़ा ना ऐसे रखे हैं बेकार बेकार। हाँ, कीचड़ इतना फैलता रहा इस पे। हाँ वो तो मेरे साथ रहा है, तो इसलिए तो मेरे साथ रहा है, मैं धुलवाता रहूँ ना टाइम टाइम पर तेरी। अरे यार, इसका पेंट तो उतर गया, अभी कर देंगे हम, अभी कर देंगे ना। ये जो है ना विंगलेट, इस पर थोड़ा सा उतर गया था, तो ये एकदम कर देना चाहिए भाई काम, अगर इधर उधर लगे ना। हाँ होली पे करूँगा सबको काला इससे। सो चलो, अभी हो चुका है ये काम तो हमारा। रेडी है और हम भी रेडी हैं। आवाज सारे जाता तर तर र। अरे बैठ बैठ, ये मेरा मदर रोड है। बाय बाय। और गाइस देख सकते हो आप, दिवाली कितनी बहुत पहले ख़त्म हो गई, कम से कम 10 दिन हो गए, और ये उतरी नहीं है क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। उतारेंगे इसको भी। चलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपनी चिल्ला के लिए। तो गाइस अभी चलो सीधा चलते हैं हाईवे पे। ये रहा हमारा मोनपुरा गेट, जहाँ से मैं आया हूँ, और ये जा रहा हमारा हाईवे, जो चिल्ला जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, और भी बहुत जगह जाता है ये रास्ता। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, चलो मैं पहले कर लूँ, देखो अभी तो हो ही रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, पूरा ब्लॉग देखेगा या ना देखे, बट ये बात जरूर सुन लो मेरी, ये बात आपसे कहीं रिक्वेस्ट है, बस ये बात जरूर सुन लो। गाइस अब शॉपिंग करने गया था, तो भाई मैं वहाँ से शर्ट वर्ल्ट पूछने गया था, क्योंकि भाई वो शर्ट एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने बोला था कि वहाँ से शर्ट पूछ के आ जाइए। तो भाई मैं शर्ट एक पूछ के आ रहा था कि वहाँ से वो शर्ट कितने की है, ठीक है। तो वहाँ पर अचानक से मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया एक, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली के साथ था, इसके मम्मी भी थे और इसके पापा भी थे उसके साथ में, और भी मतलब बहुत लोग थे वो, मतलब कि तीन से चार लोग थे वो 18 से 17 साल का होगा वो लड़का। उसने भाई मेरे को फोटो वोटो क्लिक कराई, फिर वो मेरे से एकदम से मतलब कि फ़ोटो क्लिक करा के बोलने लगा, ना मम्मी पापा बोलने लगा कि ये है अक्षय पालक जिनसे मैं इंप्रेस हूँ, ऐसे से वो बोलने लगा। तो फिर मेरे को तो उस टाइम पर अच्छा लग रहा था, बट उसने जो बाद में हरकत की भाई, वो मेरे को बहुत ही उसकी ज़्यादा बेकार लगी। क्या बात बेकार थी उसकी, मैं अभी अभी बताता हूँ आपको। ये देखो, उसने पता क्या किया था, वो मेरे से पहले पूछने लगा, भैया आपका ये बाइक कितने की है। मैंने बोला भाई ये अप्रोक्स आपकी 2 लाख की पड़ जाएगी, ठीक है। उसने बोला ओके भैया। फिर उसने बोला मेरे को, भैया आपने आपको मोबाइल कितने का है। मैंने बोला भाई ये है 1,60,000 का। उसने बोला ओके भैया। मैंने बोला पूछ क्यों रहा है मेरे को, फिर बता दे, जब कोई पूछता है मैं बता देता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता, मैं बता देता हूँ जो भी होता है। फिर मेरे से वो शूज़ वूज़ भाई, मेरे कपड़े वपड़े, मेरे जैकेट वैकेट से पूछने लगा भाई, मैंने सब बता दिया उसको कि भाई देखा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं महंगे पहनता हूँ। हाँ, जो मेरे को सूट करते हैं, जो भाई मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं वो भाई देखो जो सस्ता हो महंगा हो मैं ले लेता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं ले लेता हूँ। सस्ता होगा तो मैं सस्ता भी ले लूँगा भाई, मेरे को कोई शर्म नहीं है कहीं भी जाने के। मैं शर्म वरम नहीं देखता भाई ऐसे कि वहाँ से ले रहा है वहाँ से ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना जहाँ जैसा बजट बनता है हम ऐसे जाते हैं। तो अभी सुनो उसकी बात सुनो अभी। तो पापा से बोलने लगा कि मेरे को ये सब चीज़ चाहिए भाई, मेरे एकदम वो सुट गए, मन गए हैं। मतलब मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है भाई, मतलब इनकी फैमिली अच्छी अच्छी होगी भाई, मतलब कि पैसे वैसों से तो भाई मतलब कर देगी हेल्प उसकी, उनकी भी बात
बात सही है। तू कोई किसी किसी के उठ के दिला देते हैं, बट किसी किसी की भाई मजबूरी होती है। ठीक है भाई, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भाई अजीब सा लगा था जब वो बोलने लगा कि मेरे को सब चीज़ चाहिए अपने मम्मी पापा को। पता वो भाई बंदा वो बीच में रोड पे जो सड़क होती है ना, सड़क पर बैठ के रोने लगा भाई, और ऐसे ऐसे रोने लगा कि मेरे को चाहिए नहीं चाहिए भाई। वहाँ पर मतलब उन्हें तमाशा कर दिया बढ़िया वाला। और मैं भी खड़ा, उसकी मम्मी मेरे को आती है, बोलती है कि बेटा आपकी फैमिली सही होगी बट हमारी फैमिली सही नहीं है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम से। मैंने बोला आंटी एक मिनट रुको, ये आप क्या बोल रहे हो, पहले सुनो आराम से। उसको भी ला, फिर मैं उसको लाया, पहले मैंने उसे उठाया, फिर मैंने उसको बोला भाई देख सुन। मैंने बोला भाई ये जो तू सोच रहा है ना कि ये मेरे मम्मी पापा ने दिलाया, मेरे मम्मी पापा ने नहीं दिलाया भाई। 5 साल से मैं इस चीज़ में हूँ, और मेरे उस टाइम पर ऐप्स चलते थे जिसपे मैंने वर्क स्टार्ट किया था अपना। मैं वीडियोस बनाता था पहले, कॉमेडीज़ वगैरह बनाता था, डांस वगैरह बनाता था, ठीक है, मैं ये सब चीज़ बनाता था। हाँ देखो, अगर आपके पास टैलेंट है तो भाई आपको हर चीज़ सपोर्ट करेगी। ऐप हो गया, कुछ भी हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर आपके पास टैलेंट है तो भाई आपको भाई सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हाँ आपके पास टैलेंट ही नहीं है तो भाई मेरे को ऐसे बोलने लगी उसकी मम्मी की, अभी हमने इसको 50,000 का, पता नहीं कितने हज़ार का बता रही थी वो, कि लैपटॉप दिलाया है और हमारे पास बजट नहीं था, हमारे पास हमारे मतलब कि होता ना खाना बनाने वाला सिलेंडर, तो हमारे सिलेंडर ख़त्म था, हमने वो सिलेंडर नहीं भरवाया, इसको अपने ऐसे ऐसे करके हमने इसको भी दिलाया। मैंने भाई मेरे को बहुत ख़राब लगा, मैंने कहा आंटी मतलब कुछ कराया, फिर मैं उसका वर्क देगा। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम कर, अपनी आईडी दिखा। कसम से बोल रहा हूँ, बस वो होते हैं ना जो फ़ोन से मतलब कि बस टैप कर दो अपना आप लग जाती है फुल जड़िया वगैरह, भाई वो कर रखा उसने उससे भाई। मैंने बोला भाई अगर तू इतना परेशान कर रहा है अपनी फैमिली को और तू ये काम करता है ना, तो भाई देख वो भी ना करो ना, एक्सेप्ट भी ना करो ना फिर भाई अपने मतलब मम्मी पापा को क्यों परेशान करना है। तो गाइस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है। देखो भाई मैं बता देता हूँ भाई, देखो मैंने जो कर रखा है सब अपने खुद की कमाई से है। देखो मेरी जो हाथ में बाइक है ये भी मेरी खुद की कमाई से है, और भाई मैं कसम से अभी भी समझता हूँ कि अभी मैं सपने में ही हूँ। मेरे को कभी कभी सपना लगता है कि भाई ये सपना ही है, क्योंकि भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे बाप की औलाद होती तो पता नहीं आज मेरे हाथ में क्या ही होती, ठीक है। मैं सही मतलब मैं अपना अपने आप से ही बन रहा हूँ जो बन रहा हूँ। हाँ होगी, अच्छी बाइक भी होगी, पर टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, होएगा, सब होएगा। अपना आप तो कुछ नहीं होता, हम करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे अपना आप पे इतना भरोसा है मैं कर लूँगा, ठीक है। और आप मेरे साथ हो बस, ये काफ़ी है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए गाइस, और कुछ नहीं। जस्ट आप लोगों से ऐसा मत ही करो, क्योंकि ऐसे ना पता क्या होता है, वो हम लोगों को ना गलत समझ लेते हैं, जो हम जैसे हैं मतलब कि मैं जैसा मैं हो गया तो हम जैसे को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि उसके सोचेंगे कि भाई इसने तो ले रखी है हमारे लड़के को, उसने गलत लगा दिए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, तो मतलब कि ये हम गलत उसमें आ जाते हैं, गलत वे में चली जाती है सारी की सारी बातें। तो बस यही था, बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि भाई हाथ जोड़ के कि अपनी मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान ना करें। जितने भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जितने बच्चे हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि अंडर 18 के अंदर मतलब जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं बच्चे लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि भाई देखो बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले अपना आपको उस काबिल बनाओ, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लो, फिर भी उसके काबिल हो तो लो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, आप में है हाँ करना है तो करो, ठीक है। ऐसे मतलब कि कोई भी अगर मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे मतलब कि कोई भी अपने मम्मी पापा को कोई भी प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, देखो भाई मेरे को पता है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है घर में। तो वो फिर भी हमारे जो मम्मी पापा है वो फिर भी हमें जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। बस यही है कि मेरे को मेरे मम्मी पापा ने हाँ मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी थी, और मेरे को भाई देखो उन्होंने फ़ोन दिया था, भाई देखो स्टार्टिंग में हाँ मेरे को फ़ोन दिया था उन्होंने, 5,000 रुपये का फ़ोन दिया था, मैक्रोमैक्स A1 से स्टार्ट किया था मैंने। और भाई मैक्रोमैक्स A1 से मैंने स्टार्ट की थी वीडियो बनानी फिर भाई मेरे को मेरे पहले घर वालों ने ये दिलाया, फिर मैं जो भी था फिर मैंने अपना आप ही किया। यही था, आपको यही बोलना था मेरे को बस, और कुछ नहीं। कंटिन्यू रखते अपनी राइड, और पेट्रोल भाई भरवा लेते हैं, भाई ने भरवा लिया, हम भी चलते, चलो। सो गाइस ये है हमारा सोनाली पार्क, ठीक है, और सोनाली पार्क से फिर हम सीधा जाएंगे भी, और आपको अभी सीधा जाके देखो अभी ये जो नहर है ना ये पूरी ऊपर तक रहती है, जहाँ पे वो देख रहे हो टाइल्स ऊपर तक, वो तो वो ऊपर तक रहती है जहाँ पर वो घरी आ सके ना वहाँ तक रहती है। अभी तो कम चल रही है नहर हमारी, बट वो पूरी ऊपर तो फुल तक चलती है। तो अभी हम जो कटने वाले रास्ता ये है, ये यहाँ पे है, इसका हाईवे का रास्ता है ये, और हाईवे का रास्ता यहाँ से कट जाता है। तो
तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला था कि यार मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी अपने बचपन की बात, तो मेरे को बहुत बोले थे कि आपने अपने बचपन की बात तो बताई नहीं। पता क्या हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था कि भाई वो जो मैंने साउंड लगाया था ना बचपन की, जो बैकग्राउंड साउंड लगता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगता है, तो बचपन की बात में मैंने वो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया था। तो यार वो म्यूज़िक था कॉपीराइट। तो हमारे अभी यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है कि आपको अगर साउंड चेंज करना होता है तो कर सकते हो, बट वो जो हम बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा वहाँ पर साउंड लगा देता है, ठीक है। उस वजह से वो मेरी बचपन की बात आप सुन ली भाई, बट अब मैं बता देता हूँ आपके बचपन की बात क्या थी। तो लोग कि राइडर वाइडर बन के जाते थे भाई, बस मैं जाता था मतलब नानी के घर जाते थे, तो मेरे मतलब एक बार मेरे को दिखे थे, तो मैं भाई सोचता कि यार कितने सही है यार, मतलब इनके पास अपनी बाइक है और भाई मतलब कितने सही है, मतलब यार जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं। और मेरे को लिटरली भाई मेरे को तो कसम से विश्वास ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होने वाला है मेरे साथ कि मैं व्लॉगर बनने वाला हूँ, वो भी मोटो व्लॉगिंग करूँगा मैं भी। और बाइक तो मैंने सोची भी नहीं थी कि मेरे पास अपनी खुद की बाइक होगी, और भगवान ने बस पता नहीं जिसके वो होता है ना, बस भगवान ने साथ दिया है भाई, महादेव ने बहुत 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 ज़्यादा साथ दिया है भाई अपना। इसलिए है ना बस, अगर भाई देखो आपको भगवान दे रहा है कुछ तो भाई उसकी कदर करें, और हम भी भाई देखो मेहनत करते हैं दिन और रात, हम देखते नहीं हैं फिर अगर जब मेहनत करने पाते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि अब भगवान हमसे मेहनत मांग रहा है तो हमको उसकी मेहनत देनी है। तो गाइस अभी जो आगे प्लान है ना, मतलब आज हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, मूवी भी आई, ब्लैक पैंथर मूवी आई है यार, उसे देखने का बड़ा मन है मेरा, क्योंकि वो मेरी आपको पता ही है मेरी थीम से मैच है ब्लैक पैंथर। तो भाई ऑब्वियसली और हाय वो लग रखी है गाइस, ये है हमारा वो लग रखी, देखो ब्लैक पैंथर आपको दिख रही होगी यहाँ से, वाकांडा फॉरएवर। तो गाइस ये है हमारा एंटरटेनमेंट हब, तो ये सही है, बट इसमें उधर से आएंगे तो हम उधर ही देख लेंगे क्या पड़ता है, पेंटागन मॉल पड़ता है, हम वहाँ देखेंगे अगर देखेंगे तो। वैसे जहाँ तक उम्मीद है आज देख ही सकते हैं, क्योंकि मेरा को नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा व्लॉगिंग में, बट हाँ गाइस आज मैं आपको चिल्ला के जो दिखाऊंगा, चिल्ला के मैंने आज तक आपको कैंटीन दिखाई है, मतलब वहाँ से हम ना मतलब कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से कैब भी ली थी जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मैं आपको आज दिखाऊंगा वहाँ की कैंटीन भी दिखा दूँगा, और आपको मतलब कि वो सही है, मतलब अगर आपको वाइब लेनी है ना बहुत शानदार चिल्ला है भाई, एकदम मस्त एकदम, मतलब आप जा सकते हो भाई अपना अकेले दोस्तों के साथ जा सकते हो, गर्लफ्रेंड के साथ जा सकते हो, टूर भी है वो, मतलब फैमिली को लेकर भी जा सकते हो आप वहाँ पे, मतलब कि बहुत सही है वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसा ऐसा सीन है, पर कुछ नहीं बहुत सही है, अच्छा अच्छा बोलते हैं बहुत सही है। तो भी चलो सीधा चलते हैं भाई, भाई अभी जो ये अभी भाई लोग मिले थे हमारे भाई लोग हैं, इनकी अभी मतलब कि भाई की शादी थी, उसमें भाई मैं आ नहीं पाया क्योंकि यार मेरे मौसी की लड़की की शादी भी थी, तो वहाँ पे चला गया था मैं, इसलिए मैं थोड़ा आ नहीं पाया हूँ वहाँ पे, मतलब उन्होंने पहले ही बुला लिया था। इनकी जो थी भाई आदित्य की जो शादी थी वो 4 में थी, और मेरे को वहाँ पर 1 में जाना पड़ गया था, तो ये था। तो उसमें जतिन और ये नमन और हमारे जो है अभिषेक भाई, तो भाई 3 बंदे थे, उन्हें भाई लोग तो मिल गए थे, ये तो मिलते रहते भाई, जाते रहते तो मिलते रहते, क्योंकि इस पे आना जाना लगा रहता है सबका ये हरवार रोड पे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमें ओम ब्रिज यहाँ पे पड़ता है, देखो बहुत बड़ा ओम है हरिद्वार में, उसको ओम ब्रिज बोलते हैं, आई होप आपको दिख जाए, कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर है, ये क्या हो रहा है। तो गाइस अगर आपको हर की पौड़ी जाना है तो आप हर की पौड़ी इधर से जा सकते हो, ठीक है, हर की पौड़ी इधर से जाके आपको खुद पता लग जाएगा, जब हर की पौड़ी जाओगे ना गंगा ये आ जाएगा ब्रिज, इससे यहाँ से उधर जाइएगा हर की पौड़ी, नहीं मिल तो आपको आगे भी जाएगा, बट ये रास्ता भी है, तो ये रहा अभी हमें यहाँ से यूटर्न लेके आना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा। तो भोलेनाथ देखिए पहले आप, हर हर महादेव। तो चलो अभी यहाँ से यूटर्न लेते हैं और अपना चिल्ला के अंदर एंट्री करते हैं। हे गाइस ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था और इसलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में रखने का सोचा, 1 पार्ट आपने देख लिया है और इसका सेकंड पार्ट आएगा 2 दिन बाद, तो बने रहिए व्लॉग में। और हाँ गाइस अगले व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा सी यू बाय।